का बेहद लोकप्रिय एवं विश्वसनीय न्यूज चैनल सिटी न्यूज। मैं अंकिता बरदियार आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं सिटी न्यूज के इस अंक में। तो चलिए पहले नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई इकाई प्रदीप सेल्स में विश्व स्तरीय कंपनी हेवेल्स और लॉयड के सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के अलावा डेमरो का वर्ल्ड क्लास फर्नीचर व चकाचौंध कर देने वाली खूबसूरत फैंसी लाइट्स का विशाल संग्रह, साथ ही राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स उपलब्ध। आइए, आपका स्वागत है। सीओडी के कबीर ज्ञान मंदिर के निकट खुल गया अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बिगनर्स ए प्ले स्कूल। तो अपने बच्चों के प्रतिभा को निखारने के लिए आज ही नामांकन करवाएं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिंस आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। हड्डी जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीओडी का पवित्री हॉस्पिटल। एडमिशन ओपन फॉर नर्सरी टू क्लास 11 इन मोस्ट प्रीमियम स्कूल ऑफ झारखंड। यस, दैट्स सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से गिरिडीह जेल में लगाया गया जेल अदालत जागरूकता शिविर। बंदियों को दी गई कानूनी जानकारी। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनय मिश्रा के मार्गदर्शन में संचालित हुआ शिविर। झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की नई अध्यक्ष विभा सिंह पहुंची गिरिडीह। कोऑपरेटिव बैंक में किया गया स्वागत, बाद में की गई बैठक। नगर निगम कार्यालय के बाहर संचालित 22 दुकानदारों के दुकान को हाई कोर्ट के निर्देश के बाद 3 माह के अंदर बनाकर मकतपुर सब्जी मंडी में किया जाएगा शिफ्ट। नगर निगम के उपनगर आयुक्त को न्यायालय ने भेजा आदेश। दुकानदारों ने न्यायालय के प्रति जताया आभार। जिले के 3 प्रखंडों में जनसेवक, पंचायत सेवक और रोजगार सेवक के साथ हुए हमला के बाद कार्रवाई नहीं होने के विरोध में महासंघ के लोग हुए गोलबंद। बैठक कर जताई नाराजगी। 25 अप्रैल को सभी प्रखंड के कर्मियों के साथ जिला मुख्यालय में धरना देने का दिया अल्टीमेटम। और तेलोडी फुटबॉल ग्राउंड में ट्रक मालिकों के द्वारा किया गया इफ्तार पार्टी। आसपास के गांव के रोजेदारों ने सामूहिक इफ्तार का उठाया लुफ्त, बाद में अदा की गई नमाज। अब खबरें विस्तार से। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से रविवार को केंद्रीय कारा में जेल अदालत सह कानूनी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। झालसा रांची के निर्देशानुसार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनय मिश्रा के मार्गदर्शन में शिविर का आयोजन किया गया। इस जेल अदालत सह विधिक जागरूकता कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सौरभ कुमार गौतम के मार्गदर्शन में सहायक लीगल एंड डिफेंस काउंसिल फयाज अहमद एवं पुरुषोत्तम कुमार उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सहायक लीगल एंड डिफेंस काउंसिल फयाज अहमद एवं पुरुषोत्तम कुमार ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा बंदियों को प्रदान किए जाने वाले विभिन्न विधिक सहायता के बारे में बतलाते हुए कहा कि नालसा, नई दिल्ली एवं झालसा रांची के द्वारा काराधीन बंदियों के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम समय समय पर चलाए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से इन बंदियों को उचित विधिक सहायता प्रदान की जाती है। इसी के तहत प्रत्येक महीने जेल अदालत का आयोजन किया जाता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से कारा में सीमित बंदियों को नियंत्रण विधिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बंदियों के बीच से ही पारा लीगल वॉलंटियर्स की नियुक्ति की गई है, जो नियंत्रण बंदियों के संपर्क में रहकर उनकी समस्याओं को कारा प्रशासन के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकार तक पहुंचाते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह के द्वारा त्वरित संज्ञान लेते हुए उनकी समस्याओं का समाधान करने की दिशा में कार्य किया जाता है। इस बार भी बंदियों की समस्याओं को सुनकर उसके निराकरण की दिशा में पहल की जा रही है। झ
झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के नवनिर्वाचित अध्यक्ष विभा सिंह रविवार को गिरिडीह पहुंची। इस दौरान अंबेडकर चौक के पास कोऑपरेटिव बैंक में उनका स्वागत किया गया, जिसके बाद जिला के सभी पैक्स के अध्यक्ष, सचिव और सदस्यों के साथ नवनिर्वाचित अध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठक की गई। अध्यक्ष के अलावे बैठक में कार्यपालक पदाधिकारी मनोज कुमार, निर्देशक सुनैना पाठक, राजकिशोर सिंह, शाखा प्रबंधक सूरज कुमार, सुबल राय, मनोज पांडे, एआर अनन्या कुमारी, प्रकाश सिंह, रामेश्वर चौधरी, अभिनंदन सिंह, मथुरा राय आदि पैक्स के अध्यक्ष सचिव उपस्थित थे। बैठक के दौरान राज्य सहकारिता बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष विभा सिंह ने कहा कि गिरिडीह जिला की मिट्टी से मेरा गहरा लगाव है। उन्होंने कहा कि इस जिले में कुल 357 पैक है, जिसमें से अभी मात्र 138 पैक्स का ही बैंक से संबंध है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले शेष 219 पैक्सों को बैंक से जोड़ना है। अध्यक्ष ने कही कि बैंक को मजबूत करने में पैक्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए सबसे पहले सभी पैक्स को फिर से शुरू कर बैंक से जोड़ा जाएगा। कहा कि पैक्स को बैंक से जोड़ने के लिए फीस 5,500 रुपए थी, जिसे इस बार घटाकर मात्र 500 रुपया कर दिया गया। अब अधिक से अधिक लोग पैक्स से जुड़ेंगे। कहा कि इस जिले के सभी परिवार के एक सदस्य को पैक्स की सदस्यता दिलाई जाएगी, साथ ही सभी किसान परिवार को केसीसी का लाभ भी उपलब्ध कराना है। जिस प्रखंड में बैंक की शाखा नहीं है, वहां सहकारी बैंक की शाखा खोली जाएगी। आज का क्या कार्यक्रम था? आज का जी, आज का कार्यक्रम यही हुआ कि जितने भी पैक्स हैं, सारे पैक्स को बैंक के साथ जोड़ना, और जितने भी पंचायत हैं, हरेक पंचायत के हरेक फैमिली का एक सदस्य हमारे पैक्स का मेंबर बनेगा। पैक्स का मेंबर बनने के लिए 110 रुपये की राशि ही लगती है, और पैक्स को बैंक का मेंबर बनने के लिए मात्र 500 रुपये की राशि लगेगी। पहले कितने लगते थे? पहले 5,500 लगते थे, अब वो राशि घटा करके हम लोगों ने 500 रुपये, जिसमें कि हर एक पैक्स हमारे बैंक का मेंबर बन सकता। नगर निगम कार्यालय के बाहर सड़क किनारे बने 22 दुकानदारों की जीत झारखंड उच्च न्यायालय से होने पर सभी दुकानदारों ने रविवार को इसकी खुशी जाहिर की। झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के बाद नगर निगम जब तक 22 दुकानदारों को मगधपुर सब्जी मंडी में दुकान बनाकर आवंटित नहीं करती है, तब तक सभी दुकानदार नगर निगम के बाहर वर्षों से चला रहे अपने दुकान को चलाते रहेंगे। न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया है कि जब तक इन दुकानदारों को नया दुकान आवंटित नहीं किया जाता है, तब तक निगम इन लोगों को पहले दुकान से हटा नहीं सकती है। इस संबंध में दुकानदारों के न्यायालय में अधिवक्ता सुजीत कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर बताया कि उपायुक्त निर्देश के द्वारा मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने पूर्व में एकल पीठ द्वारा पारित आदेश में उपरोक्त परिवर्तन किया है। उन्होंने बताया कि न्यायाधीश राजेश शंकर की एकल पीठ ने 14 सितंबर 2022 को पारित आदेश द्वारा नगर निगम के बाहर 22 संचालित दुकानदारों को 15 दिन के भीतर दुकानें खाली करने का आदेश दिया था। तब दुकानदारों को वर्तमान दुकान के बदले हटिया के पास वेंडिंग जोन में दुकान दिए जाने का प्रस्ताव नगर निगम द्वारा अदालत में दिया गया था। अब झारखंड उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा एवं जस्टिस आनंद सेठ की खंडपीठ ने दुकानदारों द्वारा दिए गए अपील के बाद 29 मार्च 2023 को पारित आदेश में गिरिडीह नगर निगम के उपनगर आयुक्त को स्पष्ट निर्देश दिया कि 22 दुकानदार अपीलार्थी के लिए नए क्षेत्र मगधपुर सब्जी मंडी में 3 माह के अंदर दुकान बनाकर उन्हें आवंटित करे, साथ ही दुकान बनकर आवंटित होने के बाद ही वर्तमान जगह से दुकान मगधपुर सब्जी मंडी में स्थानांतरित होगा। झारखंड उच्च न्यायालय के फैसले के बाद सभी 22 दुकानदारों ने खुशी की लहर है। सभी ने इस फैसले के लिए न्यायालय का आभार जताया है। गिरिडीह के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा जो एक नई बिल्डिंग बननी थी यहाँ पर पुराने बिल्डिंग को तोड़कर, उस समय साथ में 22 दुकानदार जो यहाँ पर लगे हुए थे, उनको यहाँ नोटिस देकर या आदेश दिया गया था कि 15 दिन के अंदर वो दुकान खाली कर और हटिया में इसके बदला उनको दुकान दिया जा रहा था कि वहाँ पर आप लोग अपनी दुकान को शिफ्ट करें वरना यहाँ पर तोड़ दिया जाएगा। इसके खिलाफ झारखंड उच्च न्यायालय में रिट दाखिल की गई थी इन दुकानदारों के तरफ द्वारा, और उस रिट में एकलपीठ माननीय न्यायाधीश
श्री शंकर राजे शंकर के द्वारा यह आदेश पारित किया गया था कि 15 दिनों के अंदर दुकानदारों को दुकान खाली कर देनी चाहिए। इसके खिलाफ झारखंड उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच में एक LPA दाखिल की गई थी, LPA 433/2022, जिनमें हियरिंग के बाद अंततः यह फैसला आया है कि दुकानदार यहां से दुकान खाली नहीं करेंगे तब तक जब तक कि इनके दुकानदार दुकानों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था मकतपुर के सब्जी मंडी में नहीं किया जाता है। और हाई कोर्ट ने गिरिडीह म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा यह प्रस्ताव कि इन्हें हटिया में दुकान दिया जाएगा, इसको सिरे से नकार दिया। और इस वाद में यहाँ के म्युनिसिपल कमिश्नर को सशरीर वहाँ पर उपस्थित भी होने का आदेश दिया गया और वहाँ पर उपस्थित होकर उन्होंने वहाँ पर एफिडेविट की कि मैं इन दुकानदारों को शहर के अच्छे प्लेस मकतपुर सब्जी मंडी में दुकान देती हूँ, और इस बात को दुकानदारों के द्वारा स्वीकार किया गया। तदुपरांत यह आदेश के साथ कि जब मकतपुर सब्जी मंडी में दुकान बन जाएगी और इन लोगों को अलॉट कर दिया जाएगा तभी यहाँ से ये लोग दुकान खाली करेंगे, और तब तक इन दुकानदारों को किसी भी रूप में परेशान न करने की हिदायत दी गई है। पुराना DC ऑफिस परिसर स्थित महासंघ भवन में रविवार को जनसेवक संघ, पंचायत सचिव संघ एवं रोजगार सेवक संघ की संयुक्त बैठक की गई। इसकी अध्यक्षता भरत लाल मांझी ने की। बैठक में मुख्य रूप से राष्ट्रीय संगठन सचिव अशोक कुमार सिंह, मुख्य संरक्षक महासंघ रघुनंदन प्रसाद विश्वकर्मा, सम्मानित अध्यक्ष रूपलाल महतो, महासंघ के जिलाध्यक्ष अमर किशोर प्रसाद, पंचायत सचिव संघ, जनसेवक संघ, रोजगार सेवक संघ के जिलाध्यक्ष, जिला मंत्री लखन प्रसाद रजक, लखन लाल पंडित, रविदास आदि सैकड़ों लोग उपस्थित थे। बैठक के दौरान बताया गया कि गिरिडीह, गांडे और धनवार प्रखंडों के कुछ रोजगार सेवक और पंचायत सेवक के साथ हमला किया गया है। इस संबंध में इसकी सूचना प्रशासन को पूर्व में कई बार दी गई, परंतु आज तक मारपीट करने वाले के ऊपर किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो पाई है, जिसके कारण क्षेत्र में काफी आक्रोश है। इस दौरान सभी ने तत्काल निर्णय लिया है कि अगर जिला प्रशासन 24 अप्रैल तक कोई कार्रवाई नहीं करती है तो दिनांक 25 अप्रैल से सभी प्रखंडों के जनसेवक, पंचायत सेवक और रोजगार सेवक जिला प्रशासन के समक्ष धरना प्रदर्शन करेंगे। इस बाबत राष्ट्र संगठन सचिव अशोक सिंह ने बताया कि झारखंड राज्य जनसेवक संघ, पंचायत सेवक संघ, रोजगार सेवक संघ के बैनर तले संयुक्त बैठक की गई। इस दौरान विगत कई दिनों से जनसेवक, पंचायत के सेवक और रोजगार सेवक के साथ हुई मारपीट के विरोध में FIR दर्ज करने के बाद भी कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई है। इसी को लेकर 25 तारीख को जिले से सभी कर्मियों के साथ जिला प्रशासन के समक्ष प्रदर्शन करने की रणनीति तैयार हुई। महासंघ के जिलाध्यक्ष अमर किशोर प्रसाद ने बताया कि आए दिन लगातार कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। FIR दर्ज करने के बाद भी पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसी के विरोध में 25 अप्रैल को धरना दिया जाएगा। झारखंड राज्य जनसेवक संघ, पंचायत सचिव संघ, रोजगार सेवक संघ, ये तीनों का संयुक्त बैठक था जिसमें राजद से उप निरीक्षक संघ के भी ने सहमति अपना प्रदान की है। विगत कई महीने से जनसेवक, पंचायत सेवक, रोजगार सेवक के साथ पिटाई हुई, उसके विरुद्ध में FIR किया, लेकिन FIR पर कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण हम लोगों ने पूर्व में ही कहा था प्रशासन को अगर नहीं की जाएगा तो प्रदर्शन करेंगे, लेकिन 144 हो जाने के कारण उसमें रुक गए थे, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसी परिस्थिति में आज सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 25 तारीख को समूचे जिले के सभी रोजगार सेवक, पंचायत सेवक और ये जनसेवक, राजस्व कर्मचारी सभी लोग DC साहब के सामने प्रदर्शन कर धरना पर बैठ जाएंगे, और जब तक की सुरक्षा की गारंटी नहीं होगी तब तक सारे लोग समरणालय के अंदर प्रत्येक दिन जाकर 10 बजे से 5 बजे तक बैठेंगे। यही सर्वसम्मति से निर्णय हुआ। महासंघ ने इस निर्णय का समर्थन किया। आए दिन लगातार क्षेत्रों से शिकायतें मिल रही है कि हमारे क्षेत्रीय कर्मियों के साथ गाड़ी से निकल गए दुर्व्यवहार किया जा रहा है, और उसको लेकर के थाना के द्वारा FIR नहीं किया जाता रहा है। आप पत्रकार बंधु भी साक्षी हैं कि हम लोग आंदोलन करते रहे और FIR करने के लिए करते हैं, जबकि आप ये भी देखते होंगे कि छोटी छोटी घटनाओं को भी प्राथमिक दर्ज करने से पुलिस कभी गुरेज नहीं करती। ऐसी परिस्थिति में आज हम लोगों ने प्रशासन को से अनुरोध किया है कि अगर इन तीनों घटनाओं को लेकर 24 तारीख तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाती है तो बाध्य होकर 25 तारीख को जिला प्रशासन के समक्ष बहुत ही उग्र आंदोलन हमारा महासंघ का होगा, जिसकी सारी जवाबदेही जिला प्रशासन की।
तेलुड़ी पंचायत के फुटबॉल ग्राउंड में रविवार को ट्रक मालिकों के द्वारा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। यहां आसपास के गांव से आए रोजेदारों ने सामूहिक इफ्तार का लुत्फ उठाया। मौके पर रोजा खोलने के बाद नवाज भी अदा की गई। ऐजको में मोहम्मद नईम अंसारी, मोहम्मद जमील उद्दीन अंसारी, मोहम्मद कलीम अंसारी, मोहम्मद इस्लाम अंसारी, मोहम्मद मशरफ अंसारी, मोहम्मद कयूम अंसारी, मोहम्मद जावेद अंसारी, मोहम्मद नियाज अंसारी आदि मौजूद थे। ट्रक ऑनर एसोसिएशन के द्वारा फुटबॉल मैदान तेलुड़ी में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास और के इलाके के तमाम रोजेदार जो है हज़ारों की संख्या में पहुंचे और अकीदत से रोजा को खोला और नमाज को अदा की गई। तेलुड़ी के फुटबॉल ग्राउंड में ट्रक एसोसिएशन एवं ड्राइवर की जानिब से एक इफ्तार का दावत दिया गया था, इफ्तार पार्टी रखी गई थी, जिसमें तमाम तेलुड़ी के रोजेदार एवं अगल बगल के सभी मानिंद लोग पहुँचे थे। रमज़ान का महीना है, सभी लोग मिलजुल कर यहाँ पर अफ्तार किए हैं। हम लोग की तरफ से ट्रक एसोसिएशन यूनियन को और ट्रक ड्राइवरों को बहुत बहुत मुबारकबाद हो और तमाम लोगों को रमज़ान के महीने में हम लोग की तरफ से आपके न्यूज़ के माध्यम से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। भाकपा माले के विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा और सामाजिक कार्यकर्ता रमेश यादव रविवार को बनियाडी सीसीएल क्षेत्र का दौरा किया। यहां पहुंचकर गांधीनगर के लोगों से इन्होंने बातचीत की। इस दौरान महिला पुरुष ने कहा कि इलाके में चार महीने से पीने का पानी की घोर किल्लत है। ग्रामीणों ने बताया कि प्रेमनगर, कोपा, बनियाडी, नीचे पाड़ा, ऊपर पाड़ा, अगदोनी, खुर्द, राजनगर, जोगीताड़ आदि सीसीएल क्षेत्र में बहुत किल्लत है। महिला, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग सभी परेशान हैं। श्री सिन्हा ने कहा कि जीते हुए प्रतिनिधि को मूलभूत सुविधा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि सीसीएल प्रबंधन से बातचीत कर समस्या का समाधान की दिशा में प्रयास करेंगे। मौके पर चरखी देवी, आशा देवी, पिंकी देवी, सोनिया, लक्ष्मण दास, शिवू दास, कल्लू दास, कृष्णा दास, संतोष बिट्टू, सोनू दास सहित दर्जनों ग्रामीण मौजूद थे। अभी हम लोग आए हैं बनियाडी और बनियाडी में पिछले दो महीना चार महीना से पानी का पूरा प्रॉब्लम है और ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के जो अफसर हैं, यहाँ सीसीएल जो कर्मी हैं, अफसर हैं, उनको बोलने के बाद भी यहाँ पानी नहीं आता है। भाकपा माले की टीम आज रमेश यादव जी के साथ में, सामाजिक कार्यकर्ता के साथ में और कई लोगों के साथ में यहाँ पर आई है और अलग अलग एरिया में हम लोग घूमेंगे कि सीसीएल क्षेत्रों में पानी क्यों नहीं दिया जाता है, मूलभूत सुविधा क्यों नहीं दिया जाता है। अगर इस प्रकार से लगातार जारी रहा और अगर एक सप्ताह के अंदर सुधार नहीं हुआ तो पूरा सीसीएल का जो ऑफिस है उसको हम लोग, प्रोजेक्ट जो ऑफिस है उसको जाम करेंगे और आंदोलन के जरिए बताएंगे कि मूलभूत सुविधा क्या होता है और उसको किस प्रकार से दिया जाता है। बिड़नी प्रखंड के बीडीओ सुनील वर्मा ने रविवार को दलांगी पंचायत में चल रहे मनरेगा योजनाओं का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बिड़नी बीडीओ को मनरेगा योजना में भारी गड़बड़ी देखने को मिली। बीडीओ ने दलांगी पंचायत के खुतेजा खातून के जमीन पर डोभा निर्माण में पाया गया कि डोभा की खुदाई पूरी कर ली गई है, 22,000 रुपए की निकासी की गई है, लेकिन योजना स्थल पर देखने के बाद साफ पता चलता है कि तीन तरफ से मिट्टी काटकर एक तरफ मिट्टी लगाकर डोभा निर्माण पूरा कर लिया गया है। दूसरी योजना फिरोज अंसारी के जमीन पर तालाब निर्माण 4,93,000 से किया जाना था, जिसमें जेसीबी मशीन की खुदाई करने की पुष्टि हुई तो मौके पर उपस्थित रोजगार सेवक लतीफ अंसारी ने कहा कि उस योजना का जियो टैग या भुगतान नहीं किया गया है। तीसरी योजना बहराबाद के अंधारी में असलम अंसारी की जमीन पर तालाब निर्माण की स्वीकृति 2018-19 में दिया गया था। इस योजना में तालाब की खुदाई वर्षों पूर्व जेसीबी मशीन से कर ली गई थी। इस योजना के बारे में रोजगार सेवक ने बताया कि इसमें 11,088 रुपए का भुगतान किया गया है, लेकिन जेसीबी मशीन से खुदाई करने के कारण भुगतान पर रोक लगाया गया है। वीडियो ने रोजगार सेवक से कहा कि अब तक योजना को बंद करते हुए राशि की रिकवरी क्यों नहीं की गई है, अविलंब राशि की रिकवरी करते हुए योजना को बंद करें, अन्यथा कार्रवाई को तैयार रहने का निर्देश दिए। इस दौरान और भी कई स्थानों पर मनरेगा कार्यों में कोताही देखने को पाया गया।
झारखंड प्रदेश विश्वकर्मा समाज की बैठक रविवार को मिर्जागंज स्थित गौशाला के बगल में किया गया। इस बैठक में मुख्य रूप से समाज के जिलाध्यक्ष विनोद राणा उपस्थित थे। उन्होंने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि जमुआ विधायक केदार हाजरा के पुत्र के द्वारा जो हमारे समाज को बढ़ई कहकर अपमानित किया गया है और गाली गलौज किया गया है, उसे समाज कदापि बर्दाश्त नहीं करेगी। कहा कि इसके लिए चाहे हमारे समाज के लोगों को जो भी कदम क्यों ना उठाना पड़े। जीप सदस्य प्रतिनिधि देवरी दिनेश राणा ने कहा कि जमुआ विधायक को बहुत सम्मान हमारे समाज के लोग दिए हैं। अब इन्हें कोई मौका नहीं देते हुए हम लोग विधायक के विरोध एक बड़ी आंदोलन करेंगे। इस बैठक के दौरान फैसला किया गया कि 27 अप्रैल को जमुआ विधायक का पुतला दहन किया जाएगा। जिला महासचिव देवकी राणा ने कहा कि विधायक पुत्र द्वारा सत्ता के घमंड में हमारे समाज को गाली गलौज करने का काम किया है। हमारी समाज आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव में इसके सत्ता की घमंड को तोड़ने का काम करेगा। मौके पर मुखिया प्रतिनिधि गौतम सागर राणा, जिला सचिव सुनील राणा, जमुआ महासचिव रवि राणा, देवरी अध्यक्ष गजेंद्र राणा, महासचिव अजीत कुमार शर्मा, विशेश्वर राणा, बजरंग लाल राणा, संतोष राणा, भीम राणा, कामेश्वर विश्वकर्मा, अमित शर्मा, लालमणि शर्मा, सुखदेव राणा, अमृत सागर राणा, रविन्द्र राणा, उमेश राणा, हरिहर राणा, शंकर राणा, चरण राणा, उमेश राणा, सदानंद राणा, बबलू राणा, किशोरी राणा एवं सैकड़ों विश्वकर्मा समाज के लोग उपस्थित थे। पिछले दिनों स्थानीय विधायक केदार हाजरा के पुत्र ने हमारे समाज के एक व्यक्ति पदाधिकारी को और इन्होंने बहुत गंदी से गंदी गाली दिया था, जिसमें हमारा विश्वकर्मा समाज के आत्मा पर वार हुआ है। हमारा आत्मा बहुत दुखी है, हमारे समाज का आत्मा दुखी बहुत है, हमारे बड़ी समाज बहुत ही मर्माहत है। और इसके लिए हम लोगों ने भाजपा के विधायक जो यहाँ पर हैं उनके खिलाफ विश्वकर्मा समाज के हम लोग के माध्यम से और प्रदेश अध्यक्ष भाजपा को एक डेलीगेशन दिया, डेलीगेशन के माध्यम से उनको मेमोरेंडम दिया गया था। और हम लोगों ने डिमांड किया है आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष भाजपा से कि यदि अगर स्थानीय विधायक केदार हाजरा जी को अगर इनकी विधायकी अगर वो नहीं वापस लेते हैं तो हम लोग बहुत दुखी है और इसके लिए हम लोग संघर्ष ही नहीं बल्कि हम लोग इसका विरोध तो निश्चित रूप से करेंगे। और यदि अगर सुन लेता है, अगर इस पर किसी तरह की कार्रवाई हो जाती है और यदि इसके विधायक का निलंबन अगर विधायकी को अगर ये निलंबित कर देते हैं तब हम लोग भाजपा के प्रति कुछ विश्वकर्मा समाज सोचने को तैयार है। लेकिन यदि अगर नहीं अगर करती है अगर किसी भी तरह का अगर इस पर निर्णय अगर भाजपा के जो नेता हैं तो हम लोग सिर्फ गिरिडीह जिला ही नहीं, सिर्फ यह विधानसभा ही नहीं बल्कि हम लोग पूरे झारखंड प्रदेश में भाजपा के खिलाफ हम लोग मुहिम चलाने का काम करेंगे। और इसकी पहली कड़ी और 27 जो अभी अप्रैल अभी जो आने वाला है इसमें हम लोग महाधरना का कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है कि इस पर बड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इसकी विधायी की समाप्त की जाए, तब आने वाले भविष्य में भाजपा जीत सकेगी यहाँ से, वरना भाजपा को हर हालत में हम लोग हराएंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से गिरिडीह जेल में लगाया गया जेल अदालत जागरूकता शिविर, बंदियों को दी गई कानूनी जानकारी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनय मिश्रा के मार्गदर्शन में संचालित हुआ शिविर। झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की नई अध्यक्ष विभा सिंह पहुंची गिरिडीह, कोऑपरेटिव बैंक में किया गया स्वागत, बाद में की गई बैठक। नगर निगम कार्यालय के बाहर संचालित 22 दुकानदारों के दुकान को हाई कोर्ट के निर्देश के बाद 3 माह के अंदर बनाकर मकतपुर सब्जी मंडी में किया जाएगा शिफ्ट। नगर निगम के उपनगर आयुक्त को न्यायालय ने भेजा आदेश, दुकानदारों ने न्यायालय के प्रति जताया आभार। जिले के 3 प्रखंडों में जनसेवक, पंचायत सेवक और रोजगार सेवक के साथ हुए हमला के बाद कार्रवाई नहीं होने के विरोध में महासंघ के लोग हुए गोलबंद, बैठक कर जताई नाराजगी। 25 अप्रैल को सभी प्रखंड के कर्मियों के साथ जिला मुख्यालय में धरना देने का दिया अल्टीमेटम।
और तेलोडी फुटबॉल ग्राउंड में ट्रक मालिकों के द्वारा किया गया इफ्तार पार्टी। आसपास के गांव के रोजेदारों ने सामूहिक इफ्तार का उठाया लुत्फ, बाद में अदा की गई नमाज। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ।